कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। तो 2020 में मकर संक्रांति का पावन पर्व आ रहा है। इस पावन पर्व पर हम करते हैं आपसे चर्चा। भारतवर्ष में मकर संक्रांति बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदुओं का ये एक प्रमुख त्यौहार है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। तो तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यह पर्व पोंगल के नाम से जाना जाता है। सूर्यदेव जिस दिन धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन यह पावन पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष जनवरी महीना में 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है, क्योंकि इसी दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी दिन से सूर्य की उत्तरायण गति का भी आरंभ हो जाता है। तो अगर हम चर्चा करते हैं कि इस वर्ष मकर संक्रांति का पावन पर्व कब है, तो 15 जनवरी 2020 को इस बार मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का यह पर्व उस दिन मनाया जाता है जिस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो 14 जनवरी को शाम को 7:53 के बाद में सूर्यदेव धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि सूर्य का राशि परिवर्तन सूर्यास्त के बाद होगा, इसके चलते पुण्यकाल और मकर संक्रांति के तहत जो दान इत्यादि किया जाता है वो 15 जनवरी को ही किया जाएगा और पुण्यकाल के दौरान इसी कारण मकर संक्रांति का पावन पर्व 15 जनवरी 2020 को मनाया जाएगा। भारतीय पर्वों में सभी त्योहारों का निर्धारण चंद्र की गति के आधार पर होता है, किंतु केवल मकर संक्रांति ही एक ऐसा पर्व है जिसका निर्धारण सूर्य की गति के अनुसार होता है। क्योंकि मकर संक्रांति लीप ईयर के कारण संक्रांति का क्रम प्रत्येक दो सालों में बदल जाता है। 2020 में 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी मित्रों, तो मकर संक्रांति का इतना महत्व क्यों माना जाता है? क्या मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व भी है? ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव स्वयं अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं। शनिदेव मकर तथा कुंभ राशि के स्वामी हैं। यही नहीं, इस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। शास्त्र में सूर्य का उत्तरायण होना शुभ माना जाता है और यही कारण है कि इस दिन से भारतीय हिंदू समाज में सभी शुभ कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, न्यू पूजन इत्यादि के कार्य प्रारंभ हो जाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि उत्तरायण में जो इस पंचभौतिक शरीर का त्याग करता है वह स्वयं मेरे ही धाम को आता है, उसका पुनः जन्म और मृत्यु नहीं होता है, वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्यागने के लिए उत्तरायण का ही चयन किया था। इस दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चल करके कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर में जाकर के विलीन हो गई थी। तो मित्रों, ये जो पावन मकर संक्रांति का पर्व है ये 2020 में 15 जनवरी को मनाया जाएगा और ये 15 जनवरी 14 जनवरी जो भी होता है, तो 15 जनवरी को जो हम मनाएंगे इसका संक्रांति का काल है 7:19 15 जनवरी 2020। पुण्यकाल का इसका जो समय है 7:19 से 12:31 तक और महापुण्य का जो काल का समय है प्रातःकाल 7:19 से 9:03 तक। संक्रांति का स्नान प्रातःकाल प्रारंभ होगा 2015 में 15 जनवरी 2020 में। तो 15 जनवरी 2020 को हम मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाएंगे। सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश का महत्व है। सामान्यतः सूर्य एक वर्ष में सभी राशियों में संचार करते हैं तथा उन राशियों को प्रभावित भी करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशि में सूर्य का प्रवेश धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी माना गया है। सूर्य का इन दो राशियों में संचारण व
छः मास के अंतराल में होता है। जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो वह दक्षिणायन कहलाता है और मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो वो उत्तरायण कहलाता है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर संक्रांति में पूर्व सूर्यदेव दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं, अर्थात भारत से अपेक्षाकृत अधिक दूर होते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं तथा सर्दी का मौसम होता है। ठीक इसके विपरीत मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरार्धी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इन दिनों में रातें छोटी और दिन बड़े लगने लगते हैं। दिन का बड़ा होना स्पष्ट है कि प्रकाश अधिक होगा तथा रात्रि छोटे होने से अंधकार कम होगा। इससे स्पष्ट है कि यह जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्टों को समाप्त करता है। तो मित्रों, यही नहीं, यह पर्व जीवन में आने वाले उत्साह का प्रतीक है और इसी कारण यह पर्व को प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। प्रकाश के आधित्य के होने के कारण प्राणियों में चेतना के कार्य की होने के कारण क्षमता में वृद्धि होती है, इसीलिए भारतीय हिंदू समाज के लोग इस दिन सूर्यदेव की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनको अर्घ देते हैं, नदी इत्यादि में जाकर के स्नान करते हैं और इस पावन पर्व का आनंद लेते हैं। मकर संक्रांति पर स्नान दान 15 जनवरी 2020 बुधवार को किया जाएगा। मित्रों, पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।